जी हम लोग दोस्तों आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 7 दोस्तों मौर्य साम्राज्य के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य का चैप्टर नंबर 300 मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व के 185 ईसा पूर्व के शासनकाल को देखेंगे दोस्तों। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों वो क्या क्या है मौर्य साम्राज्य में 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व दोस्तों। मौर्य वंश से संबंधित जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिलती है। पहले देखिए साहित्यिक स्रोत से क्या क्या मिलता है, अर्थशास्त्र, पुराण, मुद्र राक्षस, नाटक, बौद्ध और एवं जैन ग्रंथ आदि मिलते हैं दोस्तों। साहित्यिक स्रोत के ये उदाहरण है। विदेशी विवरण है मेगास्थनीज, स्ट्रैबो और कार्टियस दोस्तों। पुरातात्विक साक्ष्य के तहत क्या देखेंगे हम लोग, पुरातात्विक साक्ष्य के तहत दोस्तों हम लोग देखेंगे अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख और दोस्तों काली पॉलिश वाले विद्यमान भवन, स्तूप एवं गुफा मुद्रा, आहत मुद्रा, पंचवा, ये सब लोग पुरातात्विक साक्ष्य के तौर पर देखेंगे दोस्तों मौर्य साम्राज्य के इस चैप्टर में। दोस्तों आप लोग धीरज बना के रखिएगा, आराम आराम से पढ़िएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन साहित्य, ब्राह्मण जो है ब्राह्मण बौद्ध तथा जैन साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर आप प्रकाश डालता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा ऋत सागर, कथा कथास ऋत सागर, क्षेमेंद्र कृत और बृहत बृहत्तक कथा मंजरी दोस्तों, तथा पतंजलि में पतंजलि के महाभाष आदि की जानकारी मिलती है। फिर से देखिए एक बार फिर से पढ़ दिया जाए। ब्राह्मण साहित्य में दोस्तों पुराण और कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस और सोमदेव कृत कथा सारित सागर और क्षमेंद्र कृत दोस्तों बृहत कथा मंजरी तथा पतंजलि के महाभाष आदि की जानकारी मिलती है ब्राह्मण साहित्य में। और बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, महावंश टीका और महाबोधि वंश और दिव्यादान आदि प्रमुख है दोस्तों। बौद्ध ग्रंथों में कौन कौन सा है, सब VVI है दोस्तों, सब इंपोर्टेंट एकदम फैक्ट है दोस्तों, जो भी है एकदम कंठस्थ कीजिएगा। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश और महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यादान आदि प्रमुख दोस्तों। इससे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा परवर्ती मौर्य शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए जैन ग्रंथों में प्रमुख स्रोत ग्रंथ दोस्तों भद्रबाहु का कल्प सूत्र एवं हेमचंद्र का परिशिष्ट परमन दोस्तों। जैन ग्रंथों के प्रमुख स्रोत ग्रंथ कौन कौन है, भद्रबाहु का कल्प सूत्र एवं हेमचंद्र का परिशिष्ट परमन दोस्तों। नोट में देखिए इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र दोस्तों जो मौर्य प्रशासन की अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन पर भी प्रकाश डालता है दोस्तों। विदेशी विवरण चलिए हम लोग देखते हैं। विदेशी लेखकों में स्ट्रैबो, कार्टियस, डियोडोरस, पिलिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, निरियाकस, ओनीसिक्रेट्स व अरिस्टोबुल्स आदि हैं जिन्होंने मौर्य वंश के बारे में लिखा है दोस्तों। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसको। देखिए विदेशी लेखकों में स्ट्रैबो, कार्टियस, डियोडोरस, पिलिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, निरियाकस, ओने सीक्रेट्स व अरिस्टोबुल्स आदि है जिन्होंने मौर्य वंश के बारे में लिखा है। चलिए हम लोग इंडिका के बारे में देखते हैं। इंडिका मेगास्थनीज, इंडिका कौन लिखा, मेगास्थनीज दोस्तों, मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत है, परंतु यह अपने मूल रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं बल्कि इसके कुछ भाग परवर्ती लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। इसमें स्ट्रैबो, पिलिनी और एरियन और प्लूटार्क तथा जस्टिन के नाम भी उल्लेख है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं हम लोग। जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। क्या कहा, सेंड्रोकोट्स दोस्तों। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था दोस्तों। मेगास्थनीज जो है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया।
और इसने इंडिका यानी पाटलिपुत्रा का विस्तार से वर्णन किया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य देखते हैं पर चर्चा करते हैं। इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें इस इनसे अशोक के शासनकाल की समस्त जानकारी मिलती है। अशोक के 40 से अधिक अभिलेख भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक महाक्षत्रप रुद्रदामन, अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ जिसे गिरनार भी बोलते हैं दोस्तों, अभिलेख में भी मौर्य इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ो, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी काली पॉलिस वाले मृदभान तथा चांदी व तांबे के पंचमार्क आहत सिक्के से भी मिलते हैं। मौर्य पर साम्राज्य की स्थापना, चलिए हम लोग देखते हैं, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। साक्ष्यों से पता चलता है कि घनानंद एक क्रूर अत्याचारी शासक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर इसी नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। उसकी माता का नाम मूर्छा दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम राजा था और संस्थापक भी था दोस्तों। उसकी माता का नाम मूर था जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा दोस्तों। आगे चलिए हम लोग, मौर्य वंश के शासक किस वर्ण के थे इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उसे मौर्य यानी क्षत्रिय कहा गया है। ऐसा इसलिए भी प्रमाणिक लगता है क्योंकि चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य वर्णाश्रम धर्म का प्रबल पोषक था दोस्तों। क्योंकि चंद्रगुप्त गुरु का चाणक्य जो है वर्णाश्रम धर्म का प्रबल पोषक था, जिसके अनुसार क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति ही राज तत्व का अधिकारी हो सकता है। देखिए आगे, मौर्य वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किए दोस्तों। कितना, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य वंश और जाति के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण साहित्य और मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण आदि के आधार पर इसे शूद्र मानते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण साहित्य और मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण आदि के आधार पर इसे शूद्र मानते हैं। कौटिल्य का चाणक्य, चलिए हम लोग देखते हैं महावंश टीका दोस्तों। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण था। चाणक्य क्या था दोस्तों, तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण था। फिर चाणक्य का पालन पोषण और शिक्षा उसकी माता के संरक्षण में हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उसके उस सम्मानित पद से हटा दिया जो उसे दरबार में दिया गया था। इस पर चाणक्य ने शपथ ली कि वह उसके परिवार और वंश को समूल नष्ट करके नंद से बदला लेंगे। बृहत कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था दोस्तों। क्या था, यशोमती। चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का उन्मूलन कर मौर्य
वंश की नींव डाली। दोस्तों चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का उन्मूलन कर मौर्य वंश की नींव डाली। नेक्स्ट देखिए बौद्ध एवं जैन ग्रंथ। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। अधिकांश विद्वान इसी मत से सम्मत है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। अधिकांश विद्वान इसी मत से सहमत भी है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान यानी फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक यानी मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया उस समय हेरात हेरात एरिया को हेरात बोला जाता था दोस्तों, अराकोसिया जिसे कंधार बोलते हैं अभी दोस्तों, उस समय प्राचीन नाम उसका क्या था, अराकोसिया था दोस्तों, वर्तमान में भी कंधार बोलते हैं, जेंड्रोसिया प्राचीन नाम है दोस्तों और वर्तमान नाम अभी बलूचिस्तान है दोस्तों, एवं पेरी पेरी पेनिस दाई जिसे भी वर्तमान में काबुल कहते हैं, ये प्राचीन नाम है, पेरी पेनिस दाई के क्षेत्रों का कुछ भाग सौंपा और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। इस वैवाहिक संबंध का विवरण सिर्फ एपियानस नामक यूनानी ही देता है। एपियानस नामक यूनानी ही देता है दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसको रिपीट किए। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्तनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखक ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से संबोधित किया। दोस्तों यूनानी लेखक जो है पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया साथियों, तो पोलीब्रोथा के नाम से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मेगास्तनीज मौर्य दरबार में काफी समय तक रहा और भारत में रहकर उसने जो कुछ देखा सुना और उसे उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। दोस्तों बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। इसकी दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। सहगोरा ताम्रपत्र गोरखपुर दोस्तों तथा महास्थान अभिलेख बांग्लादेश के बोगर जिले चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में विवरण देते हैं। चलिए हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। कौटिल्य यानी चाणक्य रचित अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट राजा के कर्तव्य यानी विस्तृत कर प्रणाली एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त जो चतुर्थ मौर्य का राज्यपाल था पुष्यगुप्त ने ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मतानुयायी था। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और सर्वन बिलगोला कर्नाटक में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना या संथारा कहा जाता है दोस्तों।
मौर्य काल की मैप देखिए, उस समय का भारत का मैप क्या था। कंधार देखिए आपका इधर है, लंबा किधर है दोस्तों, बांसेरा सवाजगढ़ी तक्षशिला देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर पे है ये सब दोस्तों। कलसी देखिए यहाँ पे दिल्ली के पास टोपरा में दोस्तों, मेरठ के ऊपर दोस्तों, टोपरा बहादुरपुर दिल्ली यहाँ पे है। लुमड़ी देखिए यहाँ पे है, रामपुरवा इधर है, लोरिया अलीराज यहाँ पे है, पाटलिपुत्र अपना यहाँ पे है दोस्तों, इलाहाबाद यहाँ पे है, रुद्र रूपनाथ कौसाम्बी गुज्जर सारनाथ उज्जैन देखिए सांची, लगभग सभी एरिया को जीत लिया था दोस्तों। बंगाली खाड़ी है ये, अभिलेख लाल जो चिन्ह दिया गया ये अभिलेख का चिन्ह है, और ये महत्वपूर्ण नगर है, ब्लैक वाला महत्वपूर्ण नगर है दोस्तों, जितना ब्लैक है नगर है दोस्तों, लाल जो है सब अभिलेख है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता तथा तो कुशल प्रशासक था। चंद्रगुप्त की प्रशासनिक योग्यता अपने समय उत्कृष्ट था, अपने समय में उत्कृष्ट है। मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था कालांतर की सभी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आधार कही जा सकती है। यह बहुत कुछ चंद्रगुप्त की रचनात्मक प्रतिभा तथा उसके गुरु और एवं प्रधान कौटिल्य की राजनीतिक सूझबूझ का ही परिणाम था दोस्तों। जैन धर्म के अनुसार मतानुसार चंद्रगुप्त एक राज राज राजऋषि था, जिसने जीवन के अंतिम दिनों में सुख वैभव त्याग कर जैन परंपरा के अनुसार मृत्यु का विवरण किया दोस्तों। बिंदुसार देखिए 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, बिंदुसार वह जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा दोस्तों। बिंदुसार को अमित घात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक दोस्तों। क्या अर्थ होता है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या भद्रसार या मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन भी कहा गया दोस्तों। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत बिंबिसार के दरबार में भेजा दोस्तों, जो मेगास्तनीज का उत्तराधिकारी था। डायमेकस दोस्तों BBI है। क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य शासन के दौरान एंटियोकस का राजदूत कौन था दोस्तों? बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा गया? तो डायमेकस नामक राजदूत को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए दो विद्रोहों का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को बाद में अशोक को भेजा दोस्तों। एंथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक बिंदुसार तथा सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन किया, जिसमें भारतीय शासक ने तीन चीजों की मांग की थी, सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा, एक दार्शनिक दोस्तों। सीरियाई सम्राट ने दो दो चीजें अंगूरी मदिरा और सूखी अंजीर भिजवा दी, परंतु तीसरा मांग के संबंध में कहा कि यूनान कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय और फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंबिसार के दरबार में भेजा था। दिव्यादान दोस्तों देखिए, दिव्यादान से ज्ञात होता है कि उसकी राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगल वत्स निवास करता था। बिंदुसार के काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री था दोस्तों, बिंदुसार के काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री था दोस्तों। आगे चलिए अशोक देखिए, अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व दोस्तों। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 268 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था दोस्तों। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया दोस्तों। सिंगली अनुश्रुति सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन में प्राप्त किया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए महाबोधि वंश एवं तारानाथ।
बोधि वत्स व तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृहयुद्ध ने अपने भाइयों का वध करके अशोक ने साम्राज्य प्राप्त किया। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवनामप्रिय या प्रियदर्शिया देवों का प्यार की उपाधि दी गई। दोस्तों देवों का प्यारा की उपाधि दिया गया। अशोक नाम का उल्लेख मास्की, गुजरा और नेटूर तथा उदगोलन अभिलेख में ही मिलता है। अशोक नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? मास्की, गुजरा, नेटूर और उदगोलन अभिलेख में ही मिलता है। दोस्तों पुराणों देखिए, पुराणों में उसे अशोकवर्धन तथा दीपवंश में करमौली कहा गया है। पुराणों में उसे क्या क्या गया? अशोक वर्धन और दीप वंश में करमौली कहा गया। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की, राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। दोस्तों क्या कहा? अशोक ने स्वयं को बुद्ध का बुद्ध शाक्य कहा था। फिर से एक बार रिविजन की रिपीट कितना है? राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा था। 1750 में टी पेथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया। टी पेथलर दोस्तों, किंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप 1837 में पढ़ा। दोस्तों ये भी आई है, दोस्तों बार बार हर एक सेट में आपको मिलेगा। ये कलिंग युद्ध देखिए, अशोक के अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यह वर्तमान ओडिशा के दक्षिणी भाग में स्थित है। अशोक के 13वें अभिलेख में से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। दोस्तों कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की नीति सदा के लिए त्याग दिया। दोस्तों कई अभिलेखों में स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में काठियावाड़ यानी गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाली खाड़ी तक विस्तृत है। दोस्तों कलहन की राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। इसके अनुसार उसने वहां धर्मारिणी विहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई थी। कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नमक नगर बसाया। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया। दोस्तों अशोक का धार्मिक जीवन चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध अनुयायी बन गया। दोस्तों राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देव नाम प्रिय प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। दोस्तों सिंघली यानी अनुश्रुतियों सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक अपने शासन के चौथे वर्ष में बड़े भाई सुमन पुत्र निग्रोथ के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। दोस्तों उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। दोस्तों उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नोट देखिए, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में चार गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम लोम ऋषि लोमस ऋषि गुफा, फिर कर्ण चोपार, फिर सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़िया। दोस्तों फिर से एक बार देखिए, अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों के चार गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चोपार, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी था। दोस्तों अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष, दोस्तों देखिए बीपीएससी, ये बीपीएससी
2.0 में पूछा गया है दोस्तों, 10वें वर्ष 9-10 में दोस्तों, 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की, और इसके बाद अशोक इसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष, अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक ग्राम गया। लुम्बिनी ग्राम को उसने कर मुक्त घोषित कर दिया तथा केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेना लेने की घोषणा की दोस्तों। फिर से देखिए, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की, और उसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया। लुम्बिनी ग्राम को उसने कर मुक्त घोषित कर दिया तथा केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेना लेने की घोषणा की। नेक्स्ट देखिए, इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पीएससी 2.0 यहाँ पे दोस्तों, राहु से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक स्पष्ट स्पष्ट बुद्ध और धर्म तथा संघ का अभिवादन करता था। सारनाथ, सांची तथा कौसाम्बी के लघु स्तंभों में से भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है दोस्तों। देखिए, भ्राभु से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध धर्म तथा संघ का अभिवादन करता था। सारनाथ, सांची तथा कौसाम्बी के लघु स्तंभों में से अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी, उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरणों से पवित्र हुए स्थानों पर गया, उनकी पूजा की। उसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है, बोध गया, फिर कुशीनगर गया, फिर लुम्बिनी गया दोस्तों, फिर कपिल वस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती दोस्तों। अशोक के द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक दोस्तों, धर्म प्रचारक स्थान देश दोस्तों, देखिए महेंद्र और संगमित्रा दोस्तों को श्रीलंका प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का भेजा गया। महारक्षित को दोस्तों यमन देश प्रचार के लिए भेजा गया। मंजिम को हिमालयी वर्ती देश भेजा गया। महादेव को दोस्तों महिष मंडल मैसूर भेजा गया बौद्ध प्रचार के लिए दोस्तों। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र भेजा गया प्रचार के लिए। सोना और उत्तरा स्वर्ण भूमि भेजा गया प्रचार के लिए दोस्तों। मंझा तनिक इसे कश्मीर और गंधार भेजा गया दोस्तों। एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए, मंझा तनिक कश्मीर और गंधार भेजा गया, और सोना और उत्तरा स्वर्ण गुफा स्वर्ण भूमि प्रचार के लिए भेजा गया। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र प्रचार के लिए भेजा गया। महादेव महिष मंडल मैसूर भेजा गया प्रचार के लिए। मंझिम हिमालय वर्ती क्षेत्र भेजा गया, और महारक्षित यमन देश भेजा गया। महेंद्र और संगमित्रा को श्रीलंका भेजा गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अशोक का धर्म अभिलेख देखिए दोस्तों, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेख में धर्म कहा गया है। धर्म यानी संस्कृत में धर्म का ही प्राकृतिक रूपांतर है। अशोक के धर्म परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है दोस्तों। कहाँ से? राहुलोवाद सूत्र से दोस्तों। स्व नियंत्रण अशोक की धर्म नीति मूल सिद्धांत देखिए। अशोक अपने दूसरे व सातवें स्तंभ लेख में धर्म के गुणों को बताता है, जो इस प्रकार है, साधुता, मृदुता, पवित्रता और सत्यवादिता, दान, दया, कल्याण इत्यादि दोस्तों। बिहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में धर्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया दोस्तों। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त रज्जुकों, प्रादेशिकों एवं युक्तों को यह आज्ञा दी गई थी कि वे प्रत्येक पांचवें वर्ष राज्यों का भ्रमण करें और जनता को धर्मोपदेश दें। अभिलेखों में इसे अनुसंधान कहा गया दोस्तों। अशोक ने धर्म के विचारों को
प्रचारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका आदि देशों में दूत भेजे। अशोक के अभिलेख चलिए देखते हैं हम लोग। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया दोस्तों। अशोक का अभिलेख राज्य देश के रूप में जारी किए गए हैं। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। फिर देखिए अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। शिलालेख देखिए, शिलालेख इन्हें दो वर्गों बृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में बांटा जा सकता है। शिलालेख को दोस्तों इन्हें दो वर्गों में बृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में बांटा जा सकता है। स्तंभ लेख देखिए, इन्हें दीर्घ स्तंभ लेख लघु स्तंभ लेख में विभाजित किया जा सकता है। गुहा लेख देखिए दोस्तों, ये गुफाओं में उत्कीर्ण लेख है। नोट, अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए, कुछ स्रोतों से 7 स्थान दोस्तों। अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल देखिए, शहबाज गणेश दोस्तों पेशावर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। अभिलेख मानसेहरा हजारा ये पाकिस्तान में है। कलसी ये देहरादून उत्तराखंड में, कलसी दोस्तों। गिरनार जूनागढ़ में गुजरात में है। ये धोली पूरी है दोस्तों, ये कहाँ पे है? उड़ीसा है दोस्तों। और जोगड़ आपका गंजम उड़ीसा में है दोस्तों। और सोपारा थाने महाराष्ट्र में सोपारा है दोस्तों, कहाँ? थाने महाराष्ट्र। एरा गुंडी दोस्तों कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। मास्की रायचूर दोस्तों कर्नाटक में है। मास्की कहाँ पे? रायचूर कर्नाटक। एरा गुडी आपका कर्नूल आंध्र प्रदेश है। सोपारा थाने महाराष्ट्र में है दोस्तों। जोगर गंजम उड़ीसा में। धोली पूरी उड़ीसा में है। और गिरनार जूनागढ़ में है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है। कलसी देहरादून उत्तराखंड में। मानसेहरा हजारा पाकिस्तान में। और शहबाजगढ़ी भी पाकिस्तान में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। गुजरात देखिए, गुजरात आपका दतिया जिला मध्य प्रदेश है दोस्तों। ब्रह्मगिरी दोस्तों मैसूर कर्नाटक में है। और भ्राबू देखिए, भ्राबू आपका बेराट राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। भ्राबू अरोरा कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश दोस्तों। जटिंग रामेश्वर कर्नाटक पड़ता है। सासाराम बिहार है दोस्तों। राजुल बंडगिरी कर्नूल आंध्र प्रदेश है दोस्तों। गोविंदमठ दोस्तों ये मैसूर कर्नाटक में है। सारो मारो कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। निठूर आपका कर्नाटक में है। उदगोलन बेलारी कर्नाटक में है। सनती दोस्तों ये कहाँ है? कर्नाटक में। सनती जो है कर्नाटक में। उदगोलन बेलारी कर्नाटक है। निठूर कर्नाटक है। सारो मारो दोस्तों ये मध्य प्रदेश है। गोविंद मठ मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। राजुल मंडगिरी कर्नूल आंध्र प्रदेश पड़ता है। सासाराम बिहार है दोस्तों। जटिंग रामेश्वर कर्नाटक। अरोरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। भ्राबू बैराट राजस्थान है दोस्तों। ब्रह्मगिरी मैसूर कर्नाटक है। गुजरात दतिया जिला मध्य प्रदेश है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए, जैसे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख, लोरिया अलीराज स्तंभ लेख आदि दोस्तों। कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है, अतः इन्हें 7 दीर्घ स्तंभ लेखों में क्रम से अलग रखा गया और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। इसी प्रकार लघु स्तंभ लेख सांची सारनाथ रुमंदई आदि स्थलों में मिले हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग अशोक के लघु शिलालेख स्तंभ लेख दीर्घ और लघु एवं गुहा लेखों की लिपि ब्राह्य है दोस्तों। नोट में देखिए, केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्य न होकर खरोष्ठी है, अर्थात खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है दोस्तों। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्य ना होकर खरोष्ठी है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है दोस्तों।
चलिए हम लोग अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय जो था दोस्तों वो प्रशासनिक था, जबकि रुमेनदेई अभिलेख सर्वाधिक छोटा अभिलेख का विषय आर्थिक था। कौशाम्बी तथा तो प्रयाग के अष्टम लेखों में अशोक की रानी कारूबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है दोस्तों। अशोक के राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। गुहा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फिरोज मेहता तुगलक ने मेरठ फिरोज तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा में अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाए। कौन मंगवाए? फिरोज तुगलक ने दोस्तों मेरठ का और टोपरा का जो अशोक स्तंभ था वो दिल्ली मंगवाए। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था और अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया था। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण यानी बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। कार्लाइल ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है दोस्तों। अशोक का सारे कोना कंधार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला अभिलेख जो अशोक के शिलालेखों की वर्णित विषय वस्तु देखिए। पहला अभिलेख क्या है दोस्तों? पहला अभिलेख जो है पशुबलि की निंदा, आज सभी मनुष्यों को सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। पहला अभिलेख में बोला गया है कि पशुबलि की निंदा है और सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। दूसरा अभिलेख में क्या वर्णित है दोस्तों? पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य। दूसरा अभिलेख में दोस्तों जो चोल पांडव और सत्य पुत्र केरल पुत्र चेर की चर्चा की गई दोस्तों। फिर दूसरा अभिलेख देखिए दो बार पढ़ देते हैं दोस्तों, याद कर लीजिएगा। दूसरा शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य है जो चोल पांडव और सत्य पुत्र और केरल पुत्र चेर की चर्चा है। चलिए तीसरा अभिलेख में क्या दिया गया है? राजकीय अधिकारियों यानी युक्त रज्जुक प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया है। तीसरा अभिलेख में क्या है साथियों? राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का अधिकार है। चौथा अभिलेख में क्या है दोस्तों? धर्माचरण के भेरी नाद द्वारा धम्म की उद्घोष दोस्तों। चौथा शिलालेख में है धर्माचरण के भेरी नाद द्वारा धम्म का उद्घोष दोस्तों। पांचवा शिलालेख में दोस्तों धम्म महापात्रों की नियत नियुक्ति धम्म महापात्रों नियुक्ति के विषय में जानकारी है। मौर्यकालीन साम्राज्य एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है दोस्तों। पांचवा शिलालेख में क्या है? मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है दोस्तों। छठा शिलालेख में दोस्तों इसमें आत्मनियंत्रण छठा शिलालेख में क्या है? इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है जो आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। पांचवा भी आई है दोस्तों, याद रखिए। पांचवा शिलालेख में क्या है? धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी और मौर्यकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था की उल्लेख किया गया पांचवा शिलालेख में। चलिए हम लोग सातवां शिलालेख देखते हैं। सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। सातवां शिलालेख में क्या बोला गया? सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई सातवां में दोस्तों। आठवां में देखिए सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है आठवां शिलालेख में। और बोध गया के भ्रमण का उल्लेख कहाँ पे है? आठवां शिलालेख में दोस्तों। बोध गया के भ्रमण का उल्लेख आठवां शिलालेख में दोस्तों। नौवां शिलालेख देखिए दोस्तों धम्म समारोह की चर्चा नौवां शिलालेख में दोस्तों। सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख किया गया नौवां शिलालेख में दोस्तों। दसवां शिलालेख देखिए इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे और इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है और तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल भी दिया गया दोस्तों। दसवां शिलालेख में क्या कहा गया? इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे
और इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। दोस्तों 11वां शिलालेख, दोस्तों धम्म नीति की व्याख्या 11वां शिलालेख में क्या है दोस्तों? धम्म नीति की व्याख्या 11वां शिलालेख में। 12वां शिलालेख में दोस्तों स्वर्गधर्म संभाव एवं स्त्री महापात्रा की चर्चा है। दोस्तों 12वां शिलालेख में क्या है? स्वर्गधर्म संभाव एवं स्त्री महापात्रा की चर्चा। दोस्तों 13वां शिलालेख देखिए दोस्तों VVI है। दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन और अपराध करने वाले आटविक जातियों का उल्लेख है। दोस्तों 13वां शिलालेख में क्या है फिर से देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाले आटविक जातियों का उल्लेख दोस्तों 13वां शिलालेख। 14वां शिलालेख में दोस्तों अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों 14वां शिलालेख में दोस्तों अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोककालीन प्रांत देखिए, प्रांत और राजधानी दोस्तों, उत्तरापद की राजधानी अशोक के काल में कहाँ पे थी? तक्षशिला। दोस्तों उत्तरापद की तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की दोस्तों उज्जैनी था, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी राजधानी था। दोस्तों कलिंग प्रांत की तोसली दोस्तों, और दक्षिणापद का स्वर्णगिरी दोस्तों, दक्षिणापद का स्वर्णगिरी। प्राची मध्य प्रदेश का दोस्तों, प्राची मध्य प्रदेश को, उसमें मध्य प्रदेश का नाम प्राची था दोस्तों, क्या था? पाटलिपुत्रा था दोस्तों, प्राची मध्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्रा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इससे आपको BPSC में दोस्तों 3 क्वेश्चन जरूर मिलेगा दोस्तों, 3 या 2 क्वेश्चन दोस्तों। इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं, पूरा पूरा देखिएगा 2 से 3 बार। अशोक का मूल्यांकन देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक को महान सम्राटों में सबसे आगे रखा गया। अशोक के शासनकाल में भारतवर्ष में अभूतपूर्व राजनीतिक एकता और अस्थायित्व साक्षात्कार किया दोस्तों। राष्ट्रीय एकता की समस्या को उसने अत्यंत कुशलतापूर्वक हल किया। संपूर्ण देश में एक भाषा, एक लिपि और एक ही प्रकार के कानून का प्रचलन करवाया। ऐसी ऐसी व्यवस्था वर्तमान में प्रासंगिक हो सकती है दोस्तों। अशोक कला प्रेमी, कला का संरक्षक था दोस्तों। बौद्ध परंपरा उसे 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करता है। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवदत्त देवपत्तनम नामक 2 नगरों की स्थापना भी उसने कराई थी। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था दोस्तों, लेकिन राज्य विस्तार के हिसाब से उसकी महानता में मापना तर्कसंगत नहीं है दोस्तों। उनकी महानता तो उनके मानववादी सिद्धांतों का कारण है। इन्हीं उच्च सिद्धांतों के आधार पर ही उन्होंने शासन किया। अपने दसवें धम्म अभिलेख में उन्होंने कहा कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध की शांति पूर्ण मार्ग का अनुसरण किया दोस्तों। सही अर्थों में अशोक प्रथम राष्ट्रीय सम्राट था। सही अर्थों में अशोक प्रथम राष्ट्रीय सम्राट था जिसने विश्व इतिहास में भारत का नाम दर्ज करवाया दोस्तों। अशोक के उत्तराधिकारी देखिए, अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व लगभग हुई दोस्तों। उसके एक लघुत्तम लेख में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य स्रोत में इसके विषय में मौन है दोस्तों। पुराणों में उल्लेखित दशरथ के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए। उसमें 8 वर्षों तक शासन किया उसने 8 वर्षों तक शासन किया। वह अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। उसने बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाए। सभी पुराण में बृहदत्त को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं। उसका सेनापति पुष्मित्र सुंग था दोस्तों। उसका सेनापति कौन था? पुष्मित्र सुंग। पुष्मित्र सुंग ने 185 ईसा पूर्व में लगभग बृहदत्त को सेना का निरीक्षण करते समय धोखे से उसकी हत्या कर दी गई थी। बृहदत्त की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था चलिए देखते हैं हम लोग। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं पर आधारित है। यह केंद्रीयकृत स्वरूप लेने के बावजूद भी निरंकुश नहीं था। कौटिल्य ने
राज की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया। राज के 7 अंग हैं, राजा, अमात, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इन सप्तांगों में कौटिल्य राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है तथा शेष को अपने अस्तित्व के लिए राजा पर ही निर्भर बताता है। नोट देखिए, सप्तांग सिद्धांत दोस्तों, राजा मतलब सिर, अमात्य मतलब आंख, जनपद मतलब जंघा, दुर्ग मतलब बांह दोस्तों, कोष मतलब मुख, दंड बल सेना मतलब मस्तिष्क, और मित्र मतलब कान दोस्तों। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ एवं अध्यक्ष देखिए, अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ एवं अध्यक्ष। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है, जिनके लिए अधिकतर स्थानों पर ये महामात्र जिनके लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द मिलता है। इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की चर्चा भी मिलती है। तीर्थ और संबंधित विभाग देखिए दोस्तों, पुरोहित प्रमुख अधिकारी एवं प्रधानमंत्री होता था, प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री दोस्तों। प्रशस्ता तो राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी। सेनापति दोस्तों युद्ध विभाग का मंत्री होता था। युवराज दोस्तों राजा का उत्तराधिकारी। समाहर्ता दोस्तों राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री होता था। असन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रवेष्टा दोस्तों देखिए दोस्तों, समाहर्ता बेबीआई है दोस्तों, और सन्निधाता दोस्तों, सन्निधाता मतलब राजकीय कोषाध्यक्ष हो गया, और समाहर्ता मतलब राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री। अब प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कमिश्नर होता था, प्रदेष्टा दोस्तों। और नायक देखिए, सेना का संचालक तथा नगर रक्षा का अध्यक्ष नायक होता था। क्रमांतिक, क्रमांतिक दोस्तों उद्योगों एवं कारखानों के प्रधान निरीक्षक था। दंडपाल दोस्तों सेना के सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी दंडपाल था। व्यवहारिक दोस्तों कौन था, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारिक था दोस्तों। दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश कौन था, व्यवहारिक दोस्तों। नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल को क्या कहते थे, नागरक दोस्तों। नागरक किसे कहते थे, नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल दोस्तों। दुर्गपाल, दुर्गपाल किसे कहते थे, राजकीय दुर्ग रक्षकों के अध्यक्ष दोस्तों। राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष को दुर्गपाल कहा जाता था। अनंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक को अनंत पाल कहते थे। राजमहलों की देख रेख करने वाले प्रधान को दोवारिक कहते थे। राजमहलों की देख रेख करने वाले प्रधान को दोवारिक। अंतर्वेशी दोस्तों सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी अंतर्वेशी कहलाता था। मंत्री परिषद का अध्यक्ष दोस्तों मंत्री परिषद अध्यक्ष कहलाता था। वन विभाग का प्रधान अधिकारी आठवीं, वन विभाग का प्रधान अधिकारी आठवीं कहलाता था दोस्तों। वन प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष देखिए, अध्यक्ष संबंधित विभाग दोस्तों। पन्या अध्यक्ष दोस्तों वाणिज्य, वाणिज्य का अध्यक्ष पन्या अध्यक्ष कहलाता है। वाणिज्य का अध्यक्ष पन्या अध्यक्ष। पोता अध्यक्ष दोस्तों माप तोल का अध्यक्ष पोता अध्यक्ष। पोतवा अध्यक्ष दोस्तों माप तोल का अध्यक्ष। शून्य अध्यक्ष दोस्तों मुसलखाने का अध्यक्ष शून्य अध्यक्ष दोस्तों। सुरा अध्यक्ष दोस्तों शराब व मदिरा का अध्यक्ष सुरा अध्यक्ष। सुरा अध्यक्ष शराब मदिरा का अध्यक्ष सुरा अध्यक्ष। और कृप्यू, कृपया अध्यक्ष दोस्तों वन उसकी संपदा का अध्यक्ष कृप्यू अध्यक्ष दोस्तों। सूत्रा, सूत्रा अध्यक्ष दोस्तों कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष सूत्रा अध्यक्ष कहलाता था। लोहा अध्यक्ष दोस्तों धातु विभाग का अध्यक्ष लोहा अध्यक्ष कहलाता था। और लक्षणा अध्यक्ष दोस्तों टकसाल का अध्यक्ष लक्षणा अध्यक्ष दोस्तों। मुद्रा राक्षस पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, मुद्रा राक्षस किसे कहते थे, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। नवा अध्यक्ष दोस्तों जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष नवा अध्यक्ष कहलाता था। विविता अध्यक्ष दोस्तों चारागाह का अध्यक्ष विविता अध्यक्ष दोस्तों। अक्ष पटाला अध्यक्ष दोस्तों महालेखाकार दोस्तों, महालेखाकार क्या कहते थे, अक्ष पटाला अध्यक्ष दोस्तों। अब बंदरगाहों का अध्यक्ष कहलाता था पटना अध्यक्ष दोस्तों, पटना अध्यक्ष से बंदरगाहों का अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष चुंगी शुल्क विभाग का अध्यक्ष शुल्काध्यक्ष दोस्तों। देवता अध्यक्ष धार्मिक स्थानों का अध्यक्ष देवता अध्यक्ष दोस्तों। मौर्यकालीन प्रांत देखिए,
चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को चार प्रांतों में विभाजित किया था। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी और प्राची यानी मध्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्रा। दोस्तों फिर से एक बार देखिए, उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्रा। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आयरपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहते थे? चक्र कहा जाता था, जो मंडलों में विभाजित थे। इन प्रांतों के शासन सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित ना होकर उसके प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। दोस्तों अशोक के समय प्रांतों की संख्या चार से बढ़कर पांच हो गई। प्रांतों की संख्या दोस्तों, पांचवा प्रांत कलिंग था दोस्तों, जिसकी राजधानी तोसली थी। मौर्य प्रशासन के स्तरीय खंड देखिए, केंद्र हो गया प्रांत, प्रमुख अधिकारी कुमार से आर्यपुत्र कहते, मंडल प्रमुख अधिकारी प्रदेष्टा या प्रादेशिक होते थे। फिर नेक्स्ट देखिए, आहार या विषय दोस्तों, जिला प्रमुख अधिकारी विषयपति या स्थानीय कहलाते थे। आहार या विषय दोस्तों, जिला प्रमुख अधिकारी या विषयपति या स्थानीय 800 ग्रामों का समूह स्थानीय कहलाते थे। द्रोणमुख दोस्तों, 400 ग्रामों का समूह द्रोणमुख। खारवपट्टिक दोस्तों, खारवपट्टिक 200 ग्रामों का समूह खारपट्टिक। संग्रह दोस्तों, 10 ग्रामों का समूह को संग्रह कहते थे, 10 ग्रामों का समूह को। ग्राम देखिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रमुख अधिकारी ग्रामीण ग्रामीण होता दोस्तों। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रमुख अधिकारी ग्रामीण, ग्राम सभा एक ग्राम सभा एवं उसका प्रमुख गांव के छोटे कार्यों और राजस्व संग्रह के लिए उत्तरदायी था। गोप नामक प्रशासनिक कर्मचारी उनकी इस संबंध में सहायता करता था दोस्तों। सहगोरा एवं महास्थान से ग्राम शासन की कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है, जिसमें अन्नागारों एवं अन्न संचय का उल्लेख है दोस्तों। गोपा गांव में हदबंदी भूमि एवं मकान का पंजीयन, कर की छूट एवं जनगणना का भी कार्य करता था दोस्तों। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामीण होता था, जिसे ग्राम की मुखिया, ग्राम की भूमि प्रबंध एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के लिए अधिकार था दोस्तों। सेन व्यवस्था देखिए, मौर्य राजाओं की सेना बहुत संगठित एवं बड़े आकार से व्यवस्थित थी। चाणक्य ने चतुरंग बल, पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्धरथ को सेना का प्रमुख भाग बताया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल और 50,000 अश्वरोही और 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी दोस्तों। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह दोस्तों। कौटिल्या ने सेना को तीन श्रेणियों में विभाजित किया, पुश्तैनी सेना, भाटक सेना और नगर पालिका सेना दोस्तों। अब न्याय व्यवस्था देखिए, मौर्य काल में मौर्य सम्राट सर्वोच्च और अंतिम न्यायालय और एवं न्यायाधीश था दोस्तों। ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय होता था, जहाँ ग्रामीण तथा ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। उसके ऊपर मुख्यतः संग्रहण, द्रोणमुख और स्थानीय तथा जनपद के न्यायालय थे दोस्तों। अर्थशास्त्र में दो तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई, धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन दोस्तों। और धर्मस्थीय न्यायालय के द्वारा दीवानी अर्थात स्त्री धर्म तथा विवाह संबंधी विवादों का निपटारा होता है, जबकि कंटक शोधन न्यायालय द्वारा फौजदारी मामले अर्थात हत्या, मारपीट जैसी समस्याओं का निपटारा होता था। गुप्तचर संस्था देखिए, गुप्तचर व्यवस्था दोस्तों, गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्य सर्प कहा जाता है दोस्तों। गुप्तचर से संबंधित विभाग को अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुरु पुरुष कहा दोस्तों। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा? गुरु पुरुष दोस्तों। तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया है। इसके प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? सर्प महामात्य। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है, संस्था जो संगठित होकर कार्य करते हैं तथा संचारा जो घुमक्कड़ थे दोस्तों।
गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षिन कहा गया। गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षिन कहा गया। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था देखिए, मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान हमें मुक्त कौटिल्या द्वारा रचित अर्थशास्त्र यानी मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत इंडिका अशोक के अभिलेख तथा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में से होता है। दोस्तों, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक और निरक्षक और सभासद। इसमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। दोस्तों, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया था, याद रखिएगा। ये कौन कौन थे दोस्तों? दार्शनिक थे, किसान थे, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरक्षक और सभासद। दोस्तों, इसमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। फिर देखिए दास व्यवस्था। दोस्तों, दास व्यवस्था मेगास्थनीज तथा अस्ट्रेबो, मेगास्थनीज तथा अस्ट्रेबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों, ये हम लोग आगे की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका BPSC 2.0 में दोस्तों यहाँ से आया था। त्रिपिटक में 4 प्रकार तथा कौटिल्य में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, त्रिपिटक में 4 प्रकार के दासों का तथा कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। अशोक के शिलालेख में दास और कर्मकार का उल्लेख मिलता है। चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया जाता था। दोस्तों, स्त्रियों की स्थिति चलिए देखते हैं हम लोग। मौर्य काल समाज में स्त्रियों की स्थिति अस्मृति कला की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। स्त्रियों को प्रशासन में शामिल किया जाता था। स्त्री पुरुष दोनों को मोक्ष यानी तलाक लेने का अधिकार प्राप्त था। कौटिल्य ने मोक्ष शब्द तलाक के लिए प्रयुक्त किया था। कौटिल्य ने मोक्ष शब्द किसके लिए किया था? तलाक के लिए। दोस्तों, मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह प्रचलित थी। मौर्य काल में दोस्तों विधवा विवाह प्रचलित थी। कुछ विधवाएं इस स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी, जिन्हें छंद वासनी कहा जाता था। जिन्हें क्या कहते थे? छंद वासनी। दोस्तों, फिर देखिए BPSC 2.0 में 9-10 में दोस्तों आपका एक क्वेश्चन यहाँ से था। दोस्तों, रूप जीवा दोस्तों दिए हुए तो आप लोग मिला लीजिएगा। समाज में वैश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी तथा उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपजीवा कहलाती थी। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था। सम्राट घर की स्त्रियां प्रायः घरों में ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासनी कहा। दोस्तों, क्या कहा? अनिष्कासनी। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, मौर्य काल के बारे में कुछ यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है, जबकि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। फिर से पढ़ लिया जाए लाइन। दोस्तों, मौर्य काल के बारे में कुछ यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों की सती होने का उल्लेख किया है, जबकि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं है। दोस्तों, मौर्य काल धर्म देखिए, मौर्य काल में वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा आजीवक धर्म प्रमुख थे। मौर्य सम्राटों ने चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक तथा अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता थी। किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को
अपने शासनकाल में राजकीय संरक्षण दिया था। मौर्य काल में वैदिक धर्म प्रचलित था, परंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण क्षत्रिय तक ही सीमित था। इस काल में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था। जन साधारण में नाग पूजा का प्रचलन था। मूर्ति पूजा भी की जाती थी। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था। देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को देवता कारु कहा जाता था। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने कुछ गुफाएं आजीविकों को दान दी थी। अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संहिति का आयोजन हुआ। अब बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सरवण बेलगोला में जाकर जैन प्रथा संलेखना के अनुसार प्राण त्याग दिए। दोस्तों, मेगास्तनी ने धार्मिक व्यवस्था में डायनोसियस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान क्रमशः शिव और विष्णु से की गई है। जिसकी पहचान शिव और विष्णु से की गई। दोस्तों, फिर एक क्वेश्चन बीपीएससी 2.0 में यहाँ से पूछा गया। दोस्तों, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था से, मौर्य काल की अर्थव्यवस्था तीन स्तंभ थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता यानी वृत्ति का साधन कहा गया है, यानी कृषि, पशुपालन उद्योग, वाणिज्य व्यापार। दोस्तों, कृषि, देखिए मौर्य काल में मुख्यतः कृषि प्रधान था। मौर्य काल जो था कृषि प्रधान था। दोस्तों, भूमि पर राज और कृषक दोनों का अधिकार होता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। अब भूमि पर दासों, कर्मचारियों और कैदियों द्वारा जुताई बुआई होती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृष्ट यानी जुती हुई आकृष्टि, बिना जुती हुई स्थल, ऊंची भूमि आदि अनेक भूमि का उल्लेख किया है। अदेव मात्रक भूमि वह भूमि होती है जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती है। उसे क्या कहते हैं? अदेव मात्रक भूमि वह भूमि होती है जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती है। राज्य के आय के प्रमुख स्रोत भूमि कर था। वह मुख्य उपज का 1/6 भाग होता था। भूमि दो प्रकार का होता है, सेतु कर, वन कर। कर से संबंधित प्रमुख शब्दावली और उनके संबंधित विषय वस्तु। सीता दोस्त कर था। दोस्तों, सीता कर था, राजकीय भूमि से होने वाली आय से था। भाग भी एक कर था। दोस्तों, उपज का हिस्सा था। फिर प्रवेश आयात कर 20% था। निष्क्रय में दोस्तों ये भी कर था, निर्यात कर था ये। और प्रण्य दोस्तों ये आपातकालीन कर था। बलि बलि भी एक कर था। दोस्तों, एक प्रकार का राजस्व कर था बलि। हिरण्य दोस्तों अनाज के रूप में ना लेकर नगद लिया जाता था, हिरण्य कर। दोस्तों, सेतु बंध दोस्तों राज की ओर से सिंचाई का प्रबंध था। दोस्तों, सेतु बंध। विष्टि दोस्तों निःशुल्क श्रम एवं बेगार कर था। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार देखिए क्षेत्रक, गोस्वामी को क्षेत्रक कहा गया चाणक्य के अनुसार। दोस्तों, उपवास, काशतकार को कहा गया उपवास। दोस्तों, उद्योग देखिए मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत कातना और बुनना था। दोस्तों, प्रमुख व्यापारी या संगठन देखिए श्रेणी, शिल्पियों का संगठन को श्रेणी कहते हैं, शिल्पियों के संगठन को श्रेणी। निगम दोस्तों व्यापारियों के संगठन को निगम, और संघ दोस्तों देनदार और महाजनों का संगठन को संघ कहते हैं। सार्थवाह दोस्तों सार्थवाह कहते हैं कारवा व्यापारियों, कारवा व्यापारियों के प्रमुख व्यापारी अनाज से संबंधित दोस्तों उसे सार्थवाह कहते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। उद्योग धंधे की संस्थाओं में श्रेणी का उद्योग धंधे की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा गया, न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी। दोस्तों, मौर्यकालीन मुद्राएं देखिए नाम और धातु का सार पन और धारण। दोस्तों, ये क्या था? चांदी का बना होता था। किसका? चांदी का बना होता था। कसारपन पन और धारण। दोस्तों, स्वर्ण और निष्क दोस्तों ये सोने के बना होता था। और मासक और काकनी तांबे के सिक्का होते थे, मासक और काकनी। दोस्तों,
मौज की राजकीय मुद्रा पन थी दोस्तों, मौज की राजकीय मुद्रा क्या थी? पन थी। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक, मुद्राओं के परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। राज्य के शीर्षस्थ अधिकारियों को 48,000 पन और सबसे निम्न अधिकारियों को 60 पन वेतन मिलता था दोस्तों। पन 3/4 तोल के बराबर चांदी का सिक्का होता था। पन जो होता था 3/4 तोल, 3/4 तोल के बराबर चांदी का सिक्का होता था। मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी दोस्तों। वाणिज्य और व्यापार, देखिए मौर्य काल में व्यापार आतरंकी एवं बाह्य जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। इस समय भारत का बाह्य व्यापार रोम, सीरिया और फारस और मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिमी भारत भृगु कच्छ बंदरगाह से तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति, पूर्वी भारत में दोस्तों ताम्रलिप्ति के बंदरगाह द्वारा किया जाता था। पश्चिमी भारत में भृगु कच्छ बंदरगाह से और पूर्वी भारत में दोस्तों ताम्रलिप्ति से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी, तोसली जो कलिंग राज की राजधानी थी दोस्तों। मेगास्थनीज ने एग्रोनोमई नामक अधिकारी की चर्चा की जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। व्यापारिक जहाजों के निर्माण इस काल में प्रमुख उद्योग था। व्यापारिक जहाजों का निर्माण इस काल में प्रमुख उद्योग था दोस्तों। व्यापारिक मार्ग देखिए, प्रथम मार्ग उत्तरापथ जो उत्तर पश्चिमी पुरुषपुर से पाटलिपुत्र ताम्रलिप्ति तक जाने वाला राजमार्ग सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था दोस्तों। क्या बोला गया? प्रथम मार्ग को उत्तरापथ यानी उत्तर पश्चिम पुरुषपुर से पाटलिपुत्र ताम्रलिप्ति तक जाने वाला राजमार्ग। दूसरा देखिए, दूसरा मार्ग दोस्तों पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौसामी के समीप उत्तरापथ मार्ग से मिलता था। तीसरा मार्ग देखिए, दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाने वाला मार्ग को तीसरा मार्ग कहते थे। और चौथा मार्ग दोस्तों, यह मार्ग भृगु कच्छ से मथुरा तक जाता था जिसके मार्ग में उज्जैनी पड़ता था दोस्तों। भारत में मिस्र को हाथी दांत, कछुए और सीपिया और मोती रंग और नील और लकड़ी निर्यात होता था दोस्तों। भारत से मिस्र को हाथी दांत, कछुए, सीपिया, मोती रंग और नील और लकड़ी निर्यात होता था। व्यापार शुल्क 3 प्रकार से बताए गए हैं। स्वदेश में उत्पन्न वस्तु पर लिया जाने वाला शुल्क बाह्य राजधानी में लिया जाने वाला शुल्क अभ्यांतर, विदेशी माल पर वसूल किए जाने वाले शुल्क आधित्य कहलाता था। इसी प्रकार निर्यात पर निष्क्रामय तथा आयात पर प्रवेश लगाया जाता था। चलिए मौर्यकालीन कला देखिए दोस्तों, मौर्ययुगीन कला 2 भागों में विभाजित किया गया, जो राजकीय कला एवं लोक कला। राजकीय कला में राज रक्षकों द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया गया जैसे स्तंभ, गुहा, स्तूप आदि दोस्तों। लोक कला के अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित वस्तुएं जैसे यक्ष, यक्षिणी की प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्ति शामिल किए गए। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकासम स्तंभ है जो कि उसने धर्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए। अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण करवाकर वस्तुकला में एक नई शैली आरंभ की दोस्तों। गुहा वास्तु इस काल के अन्य देन है दोस्तों। अशोक के शासन काल से गुहाओं का उपयोग आवास रूप में होने लगा दोस्तों। मौर्यकालीन स्थापित की प्रमुख विशेषता, निर्माण कार्य में पत्थरों का इस्तेमाल, लोह अयस्कों का साधा हुआ प्रयोग, चमकदार पॉलिश ओप का प्रयोग, भवन निर्माण में लकड़ी का विशेष प्रयोग। मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण चिपकवा विधि, अंगुलियों या चुटकियों का इस्तेमाल करके सांचे से ढाल कर किया जाता था। पारखम दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्राप्त 7
फिर ऊंची यक्ष की मूर्ति दिगंबर प्रतिमा लोहानीपुर पटना धोली उड़ीसा में है। हाथी तादीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी मूर्ति मौर्य काल के विशिष्ट उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। और सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने चार सिंहों की आकृतियां तथा उसके नीचे की बल्लारी आकृति अशोककालीन मूर्ति कला का बेहतरीन नमूना है, जो आज हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों। एक बार फिर से पढ़िए, VBI है दोस्तों। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने चार सिंहों की आकृतियां तथा उसके नीचे की बल्लारी आकृति अशोककालीन मूर्ति कला का बेहतरीन नमूना है, जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? मौर्य साम्राज्य के पतन निम्नलिखित कारण थे, चलिए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत प्रशासन पर टिका था, जिसका सबसे मजबूत आधार सुयोग एवं दूरदर्शी सम्राट 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा। अंततः लगभग 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या हो गई, और बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने की थी, और बृहदत्त की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। हालांकि मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण का होना पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में विद्वानों ने अलग अलग कारण प्रस्तुत किए हैं। हरिप्रसाद शास्त्री धार्मिक नीति यानी ब्राह्मण विरोधी नीति कारण, हेमचंद राय चौधरी का है सम्राट अशोक की अहिंसक और शांतिप्रिय नीति, DD कौसाम्बी बोले कि आर्थिक संकटग्रस्त व्यवस्था का अभाव दोस्तों। पतन के अन्य कारणों में से देखिए कौन कौन है। अयोग्य और निर्बल और दूरदर्शी उत्तराधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएँ, प्रांतीय शासकों के अत्याचार और करों की अधिकता दोस्तों। थैंक यू, वीडियो आपका यहीं कंप्लीट होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे आप लोग इस वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने साथियों के बीच जरूर से जरूर फैलाइए दोस्तों, आपके फायदे के लिए ये किया जा रहा। और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।